वेलकम टू मनीष गुरु। आज है 4 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए व्यापक समाधान की समीक्षा और प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है? तो ये नियुक्त की है 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 3 जनवरी 2018 को निर्गामी नौवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक निर्यातकों को कितने % ब्याज अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये 3% का ब्याज अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 से कब तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 2019-20 तक के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2019 को किसने कोलकाता में आयुध कारखानों के महानिदेशक यानी कि DGOF और आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के पद अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये पदभार संभाला सौरभ कुमार ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर में निम्न में से किस हवाई अड्डे को 3 जनवरी 2019 को भारत से निकास प्रवेश के लिए अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMJAY के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी NHA के पुनर्गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में किया जाएगा, प्राधिकरण के किसके तहत काम करेगा? तो ये प्राधिकरण जो है PMJAY जो है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमाकांत आचरेकर का 2 जनवरी 2019 को मुंबई में निधन हो गया, वह क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह कोच थे, यानी इसका करेक्ट आंसर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2019 को किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद कुमार सिंह को CCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग द्वारा किसे नेशनल जियो स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2017 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया जयंत कुमार घोष को, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT और PSU तेल कंपनियों और EIL के बीच तेल गैस और ऊर्जा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये समझौता किया है IIT मुंबई और PSU तेल कंपनियां और EIL के बीच, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली समिति ने वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना के तहत कितनी योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी है? तो ये 5 योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी है, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI नवंबर 2018 में 54 की तुलना में दिसंबर 2018 में थोड़ा धीमा होकर कितना पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 53.2, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2019 को सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए हरियाणा सरकार ने कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2019 को किसे पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया जस्टिस आसिफ सईद खोसा को, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2019 को निम्न में से कौन देश की सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधन कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी है HDFC म्यूचुअल फंड, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब आधारित परिवेश को 15 जनवरी 2019 तक राज्य स्तर पर शुरू किया जाएगा, इसे किस मंथ में 2018 में विश्व जैव ईंधन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था अगस्त 2018 में, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd।